हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और मैं आपको आज एलजेब्रा के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से एक एक फॉर्मूले को और अपने पास एक नोटबुक रखना ताकि आप एक फॉर्मूले को नोट नोट कर सको। तो सबसे पहले हम एलजेब्रा के फर्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, और इसका एक पेन वाला फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स वाई। ठीक है, और एक और होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये जो और क्यूब वाले पावर फोर वाले जो भी फॉर्मूले हैं, इनसे बनते ये सब इन्हीं फॉर्मूलों से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन तीन फॉर्मूलों को नोट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। फॉर्मूला नंबर चार बोलता है क्यूब वाला। ये वाला मैं आपको पहले जनरेटर बता रहा हूँ, इसे कैसे ड्राइव करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। और इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये तो एक तरीका भी हो गया, और एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसमें से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। तो ये बन गया एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, तो ये फिर यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ पे बना थ्री एक्स वाई। और इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, इसमें एक्स प्लस वाई तो है ही है, इसको ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और माइनस थ्री एक्स वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये तो हो गए एक्स क्यूब, और इसी की पेयरिंग में दूसरा माइनस माइनस वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार इसी का इसमें से एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लेंगे, एक्स माइनस वाई बाहर निकाला तो ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स वाई। ठीक, अब इसी प्रकार अपन इसको ओपन किया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसे एक तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और प्लस थ्री एक्स वाई, तो प्लस के एक्स वाई बच गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, जो कि हर एग्जाम में काम आते हैं ये फॉर्मूले, अलजेब्रा के बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं अगले फॉर्मूले पर, क्यूब वाला हो गए। अब हम करेंगे एक एक मेन फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, तीन 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 प्रोटो वाले, इसमें तीन वेरिएबल, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। हम अगले फॉर्मूले में चलते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, क्यूब वाला, क्यूब जो मैं तीन वेरिएबल बोलूँ, तो एक और हम इसका बनाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई, ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस की 3xyz बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में लगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके और इसे एक तरीका ये हुआ, एक तरीका इसी फॉर्मूला का ये हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई अगर दो वेरिएबल का डिफरेंस प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू। ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका एक और तरीका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, हमें इसकी वाली पूछ सकता है, ये दे रखी होगी और ये भी हमें नहीं पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। सब फॉर्मूलों का आप नोट कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूले SSC 10+2 वगैरह CGL CPO जितनी भी एग्जाम होती है उसमें सब में काम आता है, रेलवे वगैरह। चलते हैं अब नेक्स्ट, अब सिंगल वेरिएबल वाले आते हैं, जैसे कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री दे रखा होगा, तो हमसे वेल तो ये दे रखा है तो हमारे पास क्या होगा एक्स की पावर सिक्स प्लस वन, एक्स की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होगा। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन दे रखा है हमें, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। तीसरा क्या होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन दे रखा है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन और एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, तीन तो ये हो गए, हमें एक एक ये वाला दे रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टू दे रखा है हमें, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन होगी। और अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू दे रखा है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो अभी मैंने आपको ये क्यूब वाला बताया था ना, ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। तो इसमें कंडीशंस आती है, पहली कंडीशन कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या हमें क्या बता रखा होगा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर होगी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर और ये थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान जीरो आ जाएगा। तो तो ये पूरी का मान आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, और कंडीशन नंबर सेकेंड दे रखी होगी हमें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा है, इस पूरे का मान जीरो दे रखा है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी जीरो, क्योंकि जो जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा जीरो जीरो हो जाएगा, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड, फर्स्ट का क्यूब सेकेंड का क्यूब थर्ड का क्यूब, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को तीन से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला बहुत एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला फॉर्मूला है, हमसे पूछता है, हमें दे रखा होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई भी नंबर मान लिया ए, मान लिया अपने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें दे रहा है ए, तो हमसे पूछेगा कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बताइए, ये दे रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, और अगर माइनस पूछा है तो माइनस चार कर देंगे, और अगर हमें दे रहा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रहा है हमको, और हमें पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, और जो प्लस पूछा है तो प्लस कर देंगे, प्लस चार, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले फॉर्मूले पर, अगला फॉर्मूला क्या है, हमें दे रखा होता है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, हमें सपोज मान लिया एक एक क्यूब दे रखी है वैल्यू, अब इससे पूछेगा कि एक्स क्यूब क्यूब पहले तो स्क्वायर और पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, आता है तो इसका होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा ए हो जाए टू, ठीक है ना, ये हो गया ए एक स्क्वायर माइनस टू माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें देना होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए, और हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछेगा, तो हम क्या करेंगे एक स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, अगली बार क्या करेंगे हम, हमें देखो होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे देता है, और अगली बार पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू पूछेगा, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल क्यूब के, तो उससे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो और माइनस थ्री बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान तो वन वन हो जाएगा, और थ्री ए मतलब थ्री ए, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अगर इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर फोर दे रहा है, सपोज कर फोर दे रहा है, पहला क्वेश्चन तो क्या पूछेगा हमसे कि x माइनस वन अपॉन एक्स बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ, चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बताओ, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछेगा एक्स की पावर तीन माइनस एक्स की पावर तीन, ठीक है, छठा क्या पूछेगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, सातवा क्या पूछेगा एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर, और आगे तक होता है, हमें एग्जाम में अभी तक चार पद चल रहे हैं, सबसे पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो हमें क्या करना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो हमने क्या बोला था इसका स्क्वायर करेंगे सोलह, और इसमें से चार घटा देंगे, अगर माइनस पूछा है तो माइनस चार कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो मतलब तब जाएगा बारह, तो रूट बारह, रूट बारह हम लिख सकते हैं दो रूट तीन, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो दूसरे में पूछा एक्स स्क्वायर, अब हमें एक्स प्लस वन अपॉन चार दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे सोलह, और इसमें से दो घटा देंगे बेटा सोलह, ठीक है। अब हम पूछे ये वाला, इससे ये निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम पीछे चीज ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे इससे ये निकाल लिया रूट बारह आया दो रूट बारह, अब इससे मतलब कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट बारह दे रहा है, और हमसे पूछा x स्क्वायर माइनस वन अपॉन, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा बारह रूट हट जाएगा, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा फिर प्लस टू सोलह हो गया, और अब की बार ये हो गया ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, चार नंबर क्वेश्चन कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर चार दे रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तो हम इसे करेंगे क्यूब करेंगे चार का क्यूब होगा चौंसठ, और इसका तीन तीन बार मल्टीपल मतलब बारह घटा देंगे, तो क्या बचेगा बावन, तो बावन इसका राइट आंसर हो गया। अब की बार ये पूछा है ये दे रहा है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालिए रूट बारह है, अब रूट बारह तो इसका क्यूब करेंगे तो बारह रूट बारह हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, इसका तीन बार मल्टीपल तीन रूट बारह, ठीक है,
15 रूट 12, ठीक है, ये वाला भी हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक्स प्लस अनुपू ने चला हमको देगा 4, तो हमें पूछा ये, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, ये निकाला एक्स स्क्वायर प्लस अनुपू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 40। अब ये दे रखा है, ये निकाल देंगे तो वही हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 14 का हो जाएगा 196, और 196 में से 2 हटा देंगे तो ये जाएगा 194। क्या किया हमने, ये सबसे पहले इसको इसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x^4 + 1/x^4 + 2, ये हम ये निकाल रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर कट कर देंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे 194 आ गया। अब ये भी होगा, अब की बार पूछा है x प्लस 1/4 पर x माइनस 1/x^4 - 1/x^2, तो सबसे पहले x माइनस 1/x निकाला हमने, x माइनस 1/x रूट 12। अब इस रूट 12 12 तो रूट 12 से हम क्या निकालेंगे, इसे इस ऐसे नहीं चलते हैं, x^(2) + x + 1/x, x - 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस इसका मान निकाला था हमने 40, x प्लस 1/x का मान है ये 4 और x माइनस 1/x का मान √12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, 56 √12। ये कैसे निकाला, इसको हम लिख सकते हैं x^2 - 1/x^2 का होल स्क्वायर, मतलब कि ए माइनस बी का x^2 - y^2, तो हम इसे लिख देते हैं x + y और x - y, इसी तरह हमने लिख दिया x^2 + 1/x^2 और x^2 - 1/x^2, फिर x^2 - 1/x^2 को वापस खोल दिया ए माइनस बी ए प्लस बी से, तो x + 1/x, x - 1/x, तो इससे ये सीधे सीधे सॉल्व हो गया। तो आज मैंने आपको एलजेब्रा के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताए जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, टेक केयर।